हेलो स्टूडेंट्स, तो टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखना है होता क्या है। डाइपोल का मतलब होता है जिसमें दो पोल्स हों, दो पोल्स। और इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब होगा कि यहाँ पे दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस को मिला के बनाया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम अपन ने ज्योग्राफी के अंदर पढ़ा है कि अर्थ के अंदर दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। जैसे हमने मैग्नेट के अंदर पढ़ा है कि मैग्नेट में भी दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो इसी तरह इलेक्ट्रिक डायपोल में भी दो पोल होंगे। दो पोल का मतलब है कि दो चार्जेस प्रेजेंट होंगे, लेकिन ये दो चार्जेस इक्वल और अपोजिट होंगे। जैसे यहाँ पे नॉर्थ होता है तो यहाँ साउथ होता है, यहाँ नॉर्थ है तो साउथ है। इसी तरह हमें पता है कि दो तरह के चार्जेस होते हैं, प्लस एक माइनस। तो हम जब डायपोल पढ़ेंगे तो डायपोल में दो चार्जेस तो होंगे, तो दोनों अपोजिट होने चाहिए, मतलब एक प्लस का होगा तो एक माइनस का, पहली चीज। दूसरी चीज, उनका जो मैग्नीट्यूड होगा, उनकी जो वैल्यू होगी वो इक्वल होगी। लेट अस सपोज, अगर एक प्लस टू कूलम का है तो दूसरा माइनस टू का ही होना चाहिए। तो इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है? इलेक्ट्रिक डायपोल एक सिस्टम ऑफ चार्जेस बोल सकते हैं हम, जिसमें दो चार्जेस होते हैं, दो चार्जेस होते हैं। एक पे माइनस क्यू मान लेते हैं, अगर एक पे माइनस क्यू है तो दूसरा जो होगा वो होगा आपका प्लस क्यू। तो मैग्नीट्यूड सेम है बट दी पोलैरिटी इज अपोजिट, यहाँ पे नेगेटिव है यहाँ पे पॉजिटिव है। तो ये है आपका इलेक्ट्रिक डायपोल। यहाँ पे जो दो चार्जेस के बीच का जो सेपरेशन है, दो चार्जेस के बीच का सेपरेशन, इसको अपन बोल देते हैं टू एल, इसको बोलेंगे अपन डायपोल लेंथ। तो सिंपल है डायपोल, दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस का पेयर। लेकिन इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि ये दोनों चार्जेस के बीच का जो सेपरेशन है बहुत क्लोज है, मतलब बहुत कम डिस्टेंस पे हमने रखा है। तो दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस का जो सिस्टम बनता है उसको हम डायपोल बोलते हैं। डेफिनेशन देख लेते हैं। सिस्टम ऑफ चार्जेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन नेचर विच आर प्लेस्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर, ये दोनों चार्जेस बहुत पास होने चाहिए। एक और पॉइंट होता है इलेक्ट्रिक डायपोल से रिलेटेड, वो होता है डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट क्यों पढ़ते हैं हमें, अगर डायपोल की स्ट्रेंथ चेक करनी है, डायपोल की स्ट्रेंथ चेक करनी है कि कौन सा डायपोल कितना पावरफुल है, तो हम उसके लिए एक टर्म पढ़ते हैं जिसको बोला जाता है डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट इसको हम डिनोट करते हैं पी से। ठीक है, ये हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसका जो एक्सप्रेशन होता है वो होता है, आपको कोई भी दो चार्जेस में से एक चार्ज लेना है और उस चार्ज का मैग्नीट्यूड लेना है। यहाँ पे ध्यान रखेंगे, चार्ज का मैग्नीट्यूड लेना है, पोलैरिटी के साथ नहीं लेना। ठीक है, जैसे यहाँ माइनस क्यू है प्लस क्यू है, तो अपन को किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड क्या है क्यू, और उसको मल्टीप्लाई कर देना है उसके जो बीच का सेपरेशन है यानी डायपोल लेंथ से। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज मल्टीप्लाई बाय डायपोल लेंथ, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा आपको डायपोल मोमेंट। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, डायपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ इसका डायरेक्शन होता आएगा। अगर आप यूनिट देखना चाहें तो यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट होगी कूलम्ब और इसकी यूनिट होगी मीटर। तो डायपोल मोमेंट की यूनिट होगी कूलम्ब इंटू मीटर, कूलम्ब मीटर यूनिट हो जाएगी इसकी, कूलम्ब मीटर। ठीक है, डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन होता है माइनस से प्लस की तरफ। लेट अस सपोज आपके पास ये माइनस क्यू है, ये आपका प्लस क्यू है, तो डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होगी वो माइनस से प्लस की तरफ होती है। ठीक है, तो ये डायपोल था और ये डायपोल मोमेंट। ठीक है, थैंक यू।